हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो भी सैमसंग के फ़ोन में। इस वीडियो के अंदर ये से बात करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्क्रीन शॉट। जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट का एक ऑप्शन दिखेगा और ये टूल बार दिखेगा, तो इसको ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। और पहले से ऑन है तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे फॉर्मेट, मतलब कौन से फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पीएनजी या जेपीजी। मैंने पीएनजी को सेलेक्ट कर रखा है और आप भी देख लीजिएगा, आपको जो भी सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा। मैंने पीएनजी सेलेक्ट कर लिया है। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो कई फ़ोन में ये थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट आता है इस तरीके से, तो इसमें तो नहीं आता है। इसके लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन आपको एक साथ में प्रेस करना होगा, जिसे वॉल्यूम घटाते हैं और जिसे ऑन ऑफ करते हैं। तो दोनों को एक साथ में प्रेस किया तो हमारा ये ऑप्शन आ गया है। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेंसिल पर क्लिक करके आप यहाँ से पेंसिल को चूज़ कर सकते हैं और कलर को भी। और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो ईजीली लिख सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। और उसको क्रॉप भी कर सकते हैं वहाँ से। तो गाइस, इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।